नमस्कार, मैं हूं अनुश्री। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया जिसने इस ठंड भरे मौसम में राजधानी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव पर खुद आम आदमी पार्टी में ही जहां आपसी खींचतान मची हुई है, तो वही विरोधी पार्टियां भी आप सरकार पर निशाना साध रही है। आइए जानते हैं आखिर क्या है मामला जिस पर इतना सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल बीते शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर एक बहस शुरू हुई थी, जिसमें एक प्रस्ताव देकर 1984 के दंगों को नरसंहार करार देने की बात कही गई थी। सूत्रों की माने तो सबसे पहले आप नेता सोमनाथ ने प्रस्ताव में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने वाली बात को जोड़ा, जिसे जरनैल सिंह ने पढ़ा, लेकिन हाउस में यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका, जिसकी जानकारी खुद आपके प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और खुद सोमनाथ भारती ने दी। सौरभ भारद्वाज ने मामले पर बात करते हुए कहा कि हाउस में जिस कॉपी में राजीव गांधी का नाम जोड़ा गया था, वो सिर्फ एक प्रपोजल के रूप में था, जिसे पास नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद विधायक अलका लांबा के ट्वीट से मानो घमासान शुरू हो गया। अलका लांबा ने अपने ट्विटर पर प्रस्ताव की कॉपी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज दिल्ली असेंबली में प्रस्ताव लाया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को दिया गया भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। मुझे मेरे भाषण में इसका समर्थन करने को कहा गया, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने सदन से वॉकआउट किया। अब इसकी जो सजा मिलेगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अलका लांबा के इस ट्वीट के बाद पार्टी अपने ही फैले रायते को समेटने में जुट गई है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इसी बीच अलका के इस्तीफे की भी खबर सामने आई। आपको बता दें, ये पूरा विवाद अलका के ट्वीट करने के बाद ही शुरू हुआ है, जिसके बाद आप पार्टी पर नाराज कांग्रेस हमलावर है, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी तंज कस रही है। उधर दिल्ली विधानसभा में कल जो भी प्रस्ताव लाया गया था, उससे कई एंगल सामने आ रहे हैं। एक तरफ जरनैल सिंह का वो वीडियो सामने आया है, जिसमें खुद जरनैल सिंह सिख दंगों के लिए राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वही पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ का कहना है कि ऐसी कोई बात प्रस्ताव में शामिल ही नहीं थी। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल का कहना है कि प्रस्ताव के मूल कॉपी में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का कोई जिक्र नहीं था। जरनैल सिंह ने भावुक होकर अपने भाषण में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की बात कही थी। हालांकि दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव से जो विवाद शुरू हुआ है, वो अभी थमता नहीं दिख रहा है। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस पूरे मामले पर आप सरकार को घेरते हुए कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्हें जनता ही सजा देगी।